हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो वी विल टेल यू हाउ टू इंक्रीज योर शॉर्ट हैंड स्पीड। आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स ऑफ एसएससी स्टेनोग्राफर 2022। फ्रेंड्स, शॉर्ट हैंड इज नॉट ए मैटर ऑफ डेज, इट्स मैटर ऑफ मंथ्स, समटाइम ईयर्स। इट रिक्वायर्स इमेंस पेशेंस, प्रैक्टिस एंड डेडिकेशन। दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि प्रैक्टिस और डेडिकेशन ही आप लोगों को परफेक्ट बनाएगा एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए स्किल टेस्ट के। तो स्किल टेस्ट के लिए आपको क्या करना है, स्किल टेस्ट के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, पेशेंस भी रखना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी होता क्या है कि स्पीड काफ़ी अच्छी होती है, लोग घबरा जाते हैं और घबरा करके हाथ स्किल टेस्ट देते टाइम, लिखते टाइम हाथ में कपकपी सी आ जाती है और स्किल टेस्ट नहीं क्वालिफाई हो पाता है। मैं इस बात को कह करके आपको डराना नहीं चाहता हूँ, मैं इस बात को कह करके आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आप लोग क्या करें, उसे बहुत प्रैक्टिस अच्छे से करें और एकदम दिमाग को रिलैक्स करके पेपर देने जाएं। जब भी शॉर्ट हैंड लिखें तो 5 से 10 बार गहरी सांसें लें, उसके बाद लिखें, माइंड रिलैक्स कर लें एकदम, कुछ भी मत सोचें। कभी कभी हम क्या करते हैं कि शॉर्ट हैंड लिखते रहते हैं और बाहर के इधर उधर के ख्याल आते रहते हैं, ऐसे भी ना आए। आप 10 से 15 बार गहरी सांसें लें, ठीक है, थोड़ा सा मेडिटेशन करने के बाद अगर आप शॉर्ट हैंड लिखेंगे, बिल्कुल आप एक तरह से जो मैटर बोला जा रहा है उसकी तरफ कंसंट्रेट रहेंगे और इट विल हेल्प यू अलॉट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब आगे से प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस कैसे करनी है मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि जो भी मैटर हो, कोई भी मैटर आप लिख रहे हैं तो उसके पहले टफ वर्ड्स अलग कर लें, ठीक है। अगर आप स्टार्टिंग में लिख रहे हैं तो आपकी स्पीड 60-70 है तो की बात मैं बता रहा हूँ, अभी मैं 80-90-100 की तरफ भी चलता हूँ। पहले मैं ये बताता हूँ कि अगर आपकी स्पीड 60-70 के बीच है तो आप क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, पहले टफ वर्ड को लिख लें एक कॉपी में, कॉपी में लिखने के बाद उसकी शॉर्ट हैंड में, उसे शॉर्ट हैंड में लिख लें, रिकॉर्ड करके उसकी प्रैक्टिस कर लें। टफ वर्ड की प्रैक्टिस करने के बाद उस चैप्टर को आप 60 या 70 से लिखें, उसी को फिर 80 से लिखें, उसी को फिर 85 से लिखें, 85 से लिखें, इस तरह से थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएं, ठीक है। ये तो हुआ एक तरीका करने का, वो आपको एक ही बार करना है, एक दो बार, ठीक है। बाकी आपको क्या करना है, जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी आप जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए होंगे, जहाँ से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, वहाँ मैटर को लिखें, और लिखने के बाद बहुत लोग सिर्फ और सिर्फ मैटर को पढ़ लेते हैं, ऐसी गलती ना करें, मैटर लिखने के बाद उसे कन्वर्ट करें और कोशिश करें कि आपका मैटर जो है वो सिस्टम पर ही कन्वर्ट करें, यानी कि आप टाइप करके मैटर को देखें, उसमें कहाँ कॉमा है ना, कहाँ फुल स्टॉप है, इन सब का विशेष ध्यान रखें। हिंदी वाले ये देखें कि कहाँ पे बिंदी लगेगी, कहाँ नहीं लगेगी, जैसे लोग और लोगों, तो लोगों पे बिंदी लग जाएगी, गा पे बहुवचन एकवचन, ये सब का ध्यान रखें। हिंदी इंग्लिश वाले जो है वो स्पेलिंग पे ध्यान देंगे, स्पेलिंग पे ध्यान देने के बाद वो फुल स्टॉप और कॉमा पे ध्यान देंगे, कहाँ लगता है फुल स्टॉप, कहाँ लगता है कॉमा, पैराग्राफ चेंज पर ध्यान देंगे क्योंकि यहाँ भी नंबर जो है वो कट होते हैं, ठीक है, तो वो उसे भी एसएससी एरर मानती है, तो ये ध्यान रखिएगा, है ना। स्पीड के साथ साथ आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मायने रखती है, इन सभी का ध्यान रखें आप, डेली मैटर को लिखें। मैं पहली वीडियो में बताया हूँ कि 10 मिनट से कम का मैटर ना लिखें, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा मैटर लिखने की होनी चाहिए, मतलब अधिक समय तक मैटर लिखने की होनी चाहिए, नहीं तो हाथ दर्द करने लगता है। इसके लिए आप अभी 1 महीने बचे हुए हैं, इस प्रैक्टिस को करके आप जो है वो इन सब चीज़ों से बच सकते हैं जो आने वाली डिफ़िकल्टीज हैं, और आप आसानी से मैटर लिख सकते हैं। दूसरी बात कि आउटलाइन मैंने बताया कि रिकॉर्ड कर लें, उसे लिखें, ठीक है। जैसे हिंदी वाले लिख रहे हैं रामधारी गुप्ता से, और इंग्लिश वाले लिख रहे हैं कैलाश चंद्रा से, तो टफ वर्ड रिकॉर्ड कर लें, चैप्टर 1 चैप्टर 2, जैसे 1 to 5 जो है वो जितने टफ वर्ड हैं उसको एक रिकॉर्डिंग में कर लें, फिर 5 to 10 एक रिकॉर्डिंग में कर लें, फिर ज़्यादा से ज़्यादा उस टफ वर्ड की प्रैक्टिस करें और फिर मैटर की प्रैक्टिस करें, अपने आप स्पीड जो है वो इंक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है। अब देखना है हमें कि जो 80 और 90 वाले हैं वो क्या करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ, देखिए भाई, अगर आपकी स्पीड 80-90-100 है तो आप सीन के साथ साथ अनसीन मैटर भी लिखना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और मैटर जितना भी लिखें आप 4 से 5 मैटर डेली कन्वर्ट करें, 4 से 5 मैटर डेली कन्वर्ट करें आप सिस्टम पे, ठीक है। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड नहीं है तो टाइपिंग एक साइड में टाइपिंग करते रहें, दूसरे साइड सिस्टम पे धीरे धीरे ही कन्वर्ट हो, लेकिन करते रहें कन्वर्ट, ठीक, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको। कन्वर्ट बहुत लोग क्या करते हैं कि उसको पढ़ते हैं, सबसे बड़ी गलती ये है, पढ़िए आप, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप मत पढ़िए, लेकिन पढ़ करके उसे छोड़ मत दीजिए। शॉर्ट हैंड आपने लिखा,
आपको आपके टीचर ने शॉर्ट हैंड बोला, आपने उसे लिख लिया, लिखने के बाद उसे एक बार आप टीचर अगर कहता है कि भाई पढ़ के सुनाओ तो आप पढ़ के सुना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप सिस्टम पर उसे कन्वर्ट करें या पहले एक पेज पे हिंदी बना लें, है ना। अगर सिस्टम पे कन्वर्ट करने में थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है तो पहले आप एक पेज पे हिंदी बना लें फिर सिस्टम पे कन्वर्ट करें। ज़्यादा अच्छा होगा आप डायरेक्ट शॉर्ट हैंड को सिस्टम पे कन्वर्ट करें, जैसे महोदय यह निवेदन किया गया है कि, तो आप फिर तुरंत टाइपिंग करना स्टार्ट कर दें, जो लिखा है शॉर्ट हैंड डायरेक्ट उसे सिस्टम पे कन्वर्ट करें। और सिस्टम पे कन्वर्ट करने के बाद एक एक चीज़ों का ध्यान रखें, जब आप हिंदी कन्वर्ट करने के बाद जब आप किसी से मिलवाएंगे उसे हिंदी को, ठीक है, तो आप क्या करें कि आप उसे कॉमा देखें उसमें, फुल स्टॉप देखें, और हिंदी वाले उसमें देखें कि बहुवचन कहाँ है, बिंदी कहाँ लगी है, कहाँ नहीं लगी है ना, बहुवचन कहाँ बनाया गया है, कहाँ नहीं बनाया गया है, इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ से भी नंबर कट होते हैं। पैराग्राफ चेंज कब कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, इन सब का भी ध्यान रखना है हमें, है ना, इन सब का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। जितने लोग अभी पढ़ाई स्टार्ट किए हैं शॉर्ट हैंड करना, आप लोग करते रहिए, है ना, आप स्किल में अपना बेस्ट दे करके आइए। देखिए 1 महीने आपके पास है, उस 1 महीने में पूरी भरपूर मेहनत कीजिए, ठीक है, भरपूर मेहनत कीजिए। मैं ये कहता हूँ कि मुश्किल तो थोड़ा सा है, टफ थोड़ा सा है, कि नामुमकिन दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हो जाएगा, मैं ये नहीं कहता हूँ कि हो ही नहीं पाएगा, ये डिपेंड पर्सन टू पर्सन, ठीक है। तो ये क्या है, इस तरह से आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि शॉर्ट हैंड प्रैक्टिस का ही खेल है, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है आपको, ठीक है। पेशेंस रखना है, पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है शॉर्ट हैंड में, मैटर लिखते टाइम, उसे कन्वर्ट करते टाइम, इन सब बातों का आप ध्यान रखें, ठीक है। रनिंग मैटर भी लिखें, रनिंग मैटर का मतलब जैसे आपकी स्पीड 60-70 की है तो आप 80-90 के मैटर को खूब तेज़ी से लिखें, आप स्पीड को पकड़ाएं। बहुत लोग ये बोलते हैं कि सर मैं लिख ले जाता हूँ लेकिन उसे पढ़ नहीं पाता हूँ, तो आप वही मैटर लिखें जो मैटर आप पढ़ ले जाएँ, ठीक है। आप अगर कन्वर्ट करने के लिए मैटर लिख रहे हैं तो उसी मैटर को लिखें जिसे आप पढ़ ले जाएं, वो बहुत ज़्यादा फायदा करेगा, वहाँ से आपकी एक्चुअल स्पीड निकल के आएगी और वहाँ से आपकी एक्चुअल स्पीड बढ़ना स्टार्ट होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं जिनका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, और आप स्किल टेस्ट एग्जाम देने जा रहे हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, खराब लगा हो तो भी लोग बता रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छी लगी हो तो लाइक वीडियो को करें और नहीं अच्छी लगी तो वीडियो को डिसलाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।